नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। चीन के ग्यासु प्रांत में आए देर रात भूकंप के झटके से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। लोकसभा में लगातार हंगामा करने वाले सांसदों के निलंबन के बाद इंडी गठबंधन ने शीतकालीन सत्र की अवधि में 95 सांसदों को खो दिया है। जहां कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित प्रमुख विपक्षी कांग्रेस के केवल 9 सांसद ही अब सदन में बचे हैं, वहीं शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों में से किसी को भी निलंबित नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा से पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाए जाने को लेकर चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा इतिहास बदलने की कर रही है कोशिश। आरएसएस के पदाधिकारी श्रीधर गाडगे ने मंगलवार को कहा कि जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि इससे क्या हासिल होगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से फायदा तो हो सकता है, लेकिन यह सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय एकता को देखते हुए अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 2024 के आम चुनाव के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया है। इस समिति में मुकुल वासनिक, वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया है, जहां मुकुल वासनिक समिति के संयोजक होंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है, जहां यह बैठक अशोका होटल में हो रही है। इंडी गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान सीटों के बंटवारे और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बातचीत हो रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, और जैसे ही आपके कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई ने बैठक कर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव तेलंगाना से लड़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। यह बैठक हैदराबाद में हुई और प्रस्ताव को पारित किया गया। तमिलनाडु में भारी बारिश ने मचाई तबाही, ट्रेनों में फंसे हैं 500 से ज्यादा यात्री। वहीं कई शहरों में आई है बाढ़, सड़कों पर चल रहे हैं नाव। भारतीय सेना मदद के लिए आई आगे। उत्तर प्रदेश में 2 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, देव रंजन वर्मा को मिली एसपी रेलवे की जिम्मेदारी। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्टरों की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है। जैकलिन फर्नांडिस ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, सुकेश से जुड़े 200 करोड़ के घोटाला मामले में अपने नाम को हटाने की है मांग। पंजाब में रैली के लिए 400 करोड़ के लग्जरी प्लेन से भटिंडा पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल। विपक्षी पार्टी ने कहा कि यही है इनका असली चेहरा। हरियाणा में बीते 8 साल में 14 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, इसकी जानकारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट में हुई है। भव्य और आकर्षक नजर आएगा बूढ़ा केदार मंदिर, 2 करोड़ में होगा सुंदरीकरण का कार्य। मंदिर के दर्शन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा नेपाल आदि जगहों से आते हैं श्रद्धालु। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर अब एक्शन की तैयारी में है सरकार, विभाग ने दिया है अंतिम वार्निंग। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को बनाया गया छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए अध्यक्ष, चरण दास महंत को मिली नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश में रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करने और प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस को किया गया हाईटेक, जहां विश्व बैंक स्पॉन्सर्ड योजना के तहत हिमाचल पुलिस को 25 इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल दी गई है। जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होने से आधी आबादी काफी खुश है। खासकर कश्मीरी महिलाएं, उनका कहना है कि विशेष दर्जे और अलगाववाद ने बेड़ियां जकड़ रखी थी, अब 73 साल बाद खुला आसमान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आगामी 24 दिसंबर को 1,00,000 लोगों के साथ भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के कारण बंगाल भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय हो गई है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत को बड़ी राहत मिली है, जहां महाराष्ट्र पुलिस ने संजय राउत पर देशद्रोह के आरोप को खारिज कर दिया।
अधिकारी ने कहा है कि पुलिस द्वारा कानूनी राय मांगने और परामर्श करने के बाद राउत के खिलाफ राजद्रोह का आरोप हटा लिया गया है। संजय रावत पर आरोप है कि उसने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख लिखा था। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस का एक विधायक चिराग पटेल ने दिया इस्तीफा, कहा पार्टी तोड़ने की चल रही है साजिश। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार पर बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत। गहलोत ने कहा कि मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। पूर्व सीएम ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, मैंने राजस्थान में अपना फर्ज पूरा किया, देश में जो हो रहा है उस पर लोगों को चिंतित होना चाहिए। स्प्राउट्स एक फायदेमंद फूड है, इसे खाने से शरीर को एक साथ कई जरूरी न्यूट्रिशन मिलता है। मूंग, मोठ, दालें और किनुओं को रात में पानी में भिगोकर आसानी से स्प्राउट तैयार किया जा सकता है। अंकुरण का प्रोसेस इन अनाजों को और भी ज्यादा सेहतमंद बना देता है। इसे आप नाश्ते में ले सकते हैं, इसे खाने से हेल्दी बने रहेंगे। यूपी में एसआई भर्ती के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन, 10 जनवरी तक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज लाइक और कमेंट के साथ शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।